फटाफट खबरों के बाद इस समय की बड़ी खबर आपको बताएंगे। कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर आ रही है। बिकरू कांड, नई सड़क उपद्रव कांड समेत एक दर्जन बड़े मामलों की एक बार फिर से दोबारा जांच शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपर पुलिस आयुक्त अपराध को जांच सौंपी गई है और जांच के लिए 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। केस की मजबूती से जांच होगी, बाकी बचे हुए उन आरोपियों को केस में शामिल किया जाएगा जो किसी तरह से बच निकले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीच में ये मामला शांत हो गया था कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद, लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला उजागर हुआ है जहां उपद्रव कांड समेत एक दर्जन बड़े मामलों की अब एक बार फिर से दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर से एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जिसमें दो महिला बदमाशों पर वाराणसी पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है जिसमें वाराणसी के ज्वेलर्स के शोरूम से सोने की चूड़ियां महिलाओं ने चोरी करने वाली कानपुर की ये माया और पुष्पा पर वाराणसी पुलिस ने अपना शिकंजा कसा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दोनों महिलाएं गिरफ्तार कर ली गई हैं। महिला बदमाशों ने वाराणसी में वारदात को अंजाम दिया था और अब गिरफ्तारी के बाद उनके जरायम गिरोह का भी राजफाश हुआ है।